सरकार जिस तरह से ट्विटर या और संस्थाओं को कह के ये ट्वीट हटवा रही है, वीडियोस हटवा रही है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की धमकी दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को ये पता होनी चाहिए कि यहाँ सारे के सारे लोग ये कानून के जानकार लोग हैं, तो जनता को डराने की कोशिश ना करे। इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए, ये गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए, चुनाव केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए। जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी मैं सबूत सहित आपको दिखाऊंगा सारी चीजें। जब तक ईवीएम उखाड़ के फेंक नहीं दी जाएगी, ये आंदोलन जब तक चलेगा, ये एक पल के लिए भी बंद नहीं है, एक पल के लिए भी। लगातार इस फोन पर मिस कॉल आ रही है, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि देश में किस तरह से यह मसला लोगों के दिलो दिमाग में छा चुका है, घर कर चुका है, और लोग क्या चाहते हैं, किस कदर बदलाव चाहते हैं, ईवीएम से छुटकारा चाहते हैं और बैलेट पेपर से ही चुनाव इस बार कराएंगे, ये जनता का फैसला है साथियों। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, सरकार जिस तरह से ट्विटर या और संस्थाओं को कह के ये ट्वीट हटवा रही है, वीडियो हटवा रही है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की धमकी दे रहा है, इलेक्शन कमीशन को ये पता होनी चाहिए कि यहाँ सारे के सारे लोग ये कानून के जानकार लोग हैं, तो जनता को डराने की कोशिश ना करे। और जनता में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी को भी, नीचे से लेकर ऊपर तक, न केवल इलेक्शन कमीशन बल्कि सरकार भी इस जनता के किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। हम किसी व्यक्ति का बाल भी बांका होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। यह एहसास जनता को भी होना चाहिए, और यह एहसास शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो सरकार को और इलेक्शन कमीशन को भी होना चाहिए। यह गीदड़ भभकी हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अगर उसे अपनी विश्वसनीयता कायम करनी है, अगर उसका ईमान कहीं किसी कोने में बचा रह गया है, जिस पर सरकार की काली छाया नहीं पड़ी है, तो अपने आप को संभाले और इस देश का संविधान और देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। और इलेक्शन कमीशन इस देश में 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम को हटा के केवल और केवल बैलेट पेपर से करवाए और पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाए। लोकल पुलिस को वहां से बाहर रखा जाए, पोलिंग स्टेशन से, लोकल पुलिस को। और जैसे टीएन स्टेशन साहब और उनके बाद में लिंगदो साहब ने जो चुनाव कराया था कि जो भी सेंसिटिव इलाके थे, लाइट मशीन गन पोलिंग स्टेशन के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के वहां पे सुरक्षा की गई थी। हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी था, हर बूथ पर। और चुनाव केवल केवल इतनी सी बात नहीं है, चुनाव केवल और केवल पूरे देश में एक ही दिन में कराया जाए, एक ही दिन में। ऐसा नहीं है कि इस चुनाव को आप जो प्रक्रिया पहले करी कि 7 फेज में 8 फेज में 2 महीने 8 दिन तक जो चुनाव चला 2019 का, ये नहीं, क्योंकि बेईमानी के सारे तरीके हैं कि बेईमानी कैसे की जा सकती है। एक ही दिन में चुनाव कराए, भारत के पास में ना तो पैसे की कमी है, ना भारत के पास किसी भी तरह की संसाधन की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, किसी भी तरह से चुनाव कराने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, एक दिन में कराया। दूसरा, जैसे ही चुनाव खत्म हो उसके तुरंत बाद 4-5 घंटे बाद ही काउंटिंग स्टार्ट की जाए, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, ताकि बेईमानी की जो भी रास्ते हो सकते हैं वो तमाम रास्ते बंद किए जाएं। और हमने जो मैनिफेस्टो हम दे रहे हैं, जो ज्ञापन हम दे रहे हैं राष्ट्रपति को, उस ज्ञापन में बाकायदे लिखा है, जितने भी पोलिंग बूथ हो, पोलिंग स्टेशन हो, सबकी सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए, सीसीटीवी कैमरा लगा के पूरी तरह से, केवल उतना पोर्शन जहां वोट डलती है कि वो वोट किसी को ना दिखे क्योंकि गुप्त मतदान है, उसको, सिर्फ उसको बचा के, बाकी पूरे में कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो सीसीटीवी कैमरे में कवर हो, यह भी इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा पैसे की कोई इस देश में कमी नहीं है। जब इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 4 साल में अपने प्रचार के लिए 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख करोड़ रुपए हर जगह जहां देखो देश में केवल उसी का फोटो चस्पा दिखता है, तो पैसे इसमें अगर 10-20 हजार करोड़ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत का लोकतंत्र अगर 1 लाख करोड़ रुपए लगा के भी बच जाए तो भी बहुत सस्ता है, इसमें कहीं कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो चुनाव पूरी तरह से ये करा जाए, और उसके बाद जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है
वो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, मैं सबूत सहित आपको दिखाऊंगा सारी चीजें 24 को जो मैंने कहा है, वोटर लिस्ट पूरी तरह से करेक्ट की जाए क्योंकि यही महीना है जनवरी का। और जैसा हमारे साथी महमूद पराचा जी ने बताया कि फॉर्म 6 भर के जिन लोगों की वोटें कटी हुई हैं, ये मेरा मतदाताओं से जो वोटर हैं, जनता है, उनसे अपील है, देखें वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है। क्योंकि पीछे जो रिपोर्ट आई 2019 के चुनाव में, 5 करोड़ मुस्लिम की और 6 करोड़ दलितों की वोट सफा कर दी गई थी, काट दी गई थी, 11 करोड़ वोट काटी गई थी और ये बाकायदे रिकॉर्ड है। और ये सारी की सारी चीजें उस पर मीडिया पे NDTV पे रवीश जी ने दिखाई और बाकायदा द वायर पे भी ये सारी चीजें दिखाई गई। इन चीजों का निश्चित रूप से ध्यान रखें। हालांकि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की कि किसी भी की वोट ना कट जाए, 18 साल का और उससे ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति है इस देश में उसकी वोट इलेक्टोरल रोल में होनी चाहिए, यानी वोटर लिस्ट में होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए नीचे जो काम करते हैं वो कलेक्टर, ADM और SDM करते हैं, और SDM, ADM और कलेक्टर वो भी सावधान रहे, ये जनता है, बहुत दिन तक इनकी सारी तानाशाही सब कुछ बर्दाश्त किए, इस बार बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी को भी जो जनता की पीठ में इस बार छुरा भोंकेगा, जो जनता के साथ गद्दारी करेगा, जनता उसको अच्छी तरह से देख रही है। ये सारी चीजें होनी है, ये सारी चीजें की जानी है। इन सब के लिए मैं फिर से एक बार जनता से कह के डरने की जरूरत नहीं है, लड़ाई जिस तरह से आप शुरू कर दी आपने लड़नी, इसको अंजाम तक पहुंचाना है। जैसे मैंने बताया था कि जो भी साथी, देखिए इस नंबर पर जो मिस कॉल दे रहे हैं, जो हमने बताया 9667722062, इसको साथियों ऐसा करें कि बजने ना दें इसकी घंटी जब तक जा रही है, कोई उठाएगा नहीं, मिस कॉल का नंबर है, कोई बात थोड़ी ना करनी है। तो इसमें जैसे ही दो बार घंटी जाए, दो बार बैल बज जाए, आप काट दीजिए, बस आपका जो है मत जो है रिकॉर्ड हो गया इसमें। इस तरह से जो साथी हैं वो इस तरह से करें, तभी सभी लोग कर पाएंगे और ये लगातार चलेगा, ये एक दो दिन के लिए नहीं है, जब तक EVM उखाड़ के फेंकनी दी जाएगी, ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक ये नंबर लगातार चलेगा। एक चीज और साथियों, जो ज्ञापन हम पूरी जनता को सबको देंगे, ये जितने भी मीडिया के साथी हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक लिंक देंगे आपको, उस लिंक को आप अपने इस हमारे जो वीडियोज है इनके साथ में डालिए, ताकि वो जो ज्ञापन है हमारा जो दिया जाना है वो हर किसी तक, पूरे देश में हर किसी तक पहुंच सके। साथियों PDF फॉर्म में है जो ज्ञापन है, 11 पेज का है, 10.5 पेज का है और PDF फॉर्म में है, सारी चीजें उसमें लिखी हैं। आप जो लिंक देंगे लोग उसी से डाउनलोड करके उस PDF को बाहर निकाल के और उसका कॉपी करा के और ज्ञापन जो 17 तारीख से सिग्नेचर उस पर कराएंगे और 25 तारीख को ज्ञापन देना है, वो सब साथी कर सकते हैं। हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जी, जो हमारे जो साथी जो वीडियो जो है हमारी EVM वाली, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दिया जाएगा, आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा। हम व्हाट्सएप पे भी लोगों को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।